लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रचार किया। इस प्रचार के दौरान उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि आज देश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और सुबह से ही लोग उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। मालदा में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो लोग मतदान के लिए उत्साह से निकल पड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं इतनी भीड़ देखकर बहुत खुश हूं कि इतने लोग मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। आज लोग लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव मना रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपना वोट देकर भारत के लोकतंत्र में योगदान दें। पीएम मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि पहले चरण में टीएमसी कांग्रेस जैसे दल जो पस्त हो रहे थे, अब दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने अपने शासन में बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज़ चलती है, हजारों करोड़ों के स्कैम, शारदा चिट फंड, पशु तस्करी घोटाला, राशन घोटाला, कोयला घोटाला आदि घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान बंगाल की जनता को करना पड़ता है। यहाँ कोई काम नहीं है जो बिना कमीशन के होता है। मालदा में लोकसभा की दो सीट है, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण। एक सीट पर भाजपा तो एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। मालदा कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि पिछले दो लोकसभा चुनाव में जहाँ कांग्रेस ने उत्तर भारत से सूपड़ा साफ हो गया था, वहीं बंगाल में कांग्रेस को दो सीटें मिली थी। अब ऐसे में देखना ये है कि आने वाले समय में आखिर क्या कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाने में कामयाब होती है, या इस बार भाजपा कांग्रेस के किले को फतेह कर लेगी।